ऊधम सिंह नगर में मौसम की पहली बारिश ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों और घरों में जलभराव से लोग परेशान हो रहे हैं। खेतों में फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। वहीं कई दुकानों में भी जलभराव है। परिवार वाले इतना परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान। घर पे बच्चों को एक 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 कप चाय तक नहीं मिली। कितना कितना पानी भरा हुआ है घर में? एक कट्टा पानी भरा हुआ है कम से कम। सारे फ्रिज चल रहे हैं, सारे सिलेंडर चल रहे हैं, खाने का कोई सामान नहीं बचा। क्या समस्या है पानी भरने की घर में? समस्या ये है कि नाला बना है लेकिन नाले की सफाई पूर्ण रूप से नहीं होती है और नाले में पूरा पानी, जितना पानी भाग है ये लेके गाड़वों के मोहल्ले से लेके और इधर तक तो सारा पानी इधर है। ये सारा पानी का डिवाइडेशन किया जाए, इस पानी का डिवाइडेशन किया जाए, कुछ पानी दूसरी साइड निकाला जाए, कुछ पानी इधर वो निकाला जाए। कृषि अधिकारी महोदय को एक हफ्ता पूर्व एक नाला जाता है रामपुर सीमा से होता हुआ अवगत करा दिया था। महोदय ने सफाई कराई लेकिन जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो नाला उस तरीके से साफ नहीं हुआ। नाला बंद कर रखा है, लोगों ने पाट रखा है जबरन करके, अपनी जबरदस्ती करके सफाई हुई है लेकिन नाला जो जिस तरीके से बंद कर रखा वो नाला खुला नहीं है। क्या स्थिति आज पानी की? पानी की स्थिति है कि हमें यहाँ पे 40 वर्ष हो गए देखते हुए, हमारे मोहल्ले वासियों को सबको, हमारे अमृत भाई हैं और तमाम यहाँ पे लाला पूरन सिंह हैं और यहाँ पे यासीन जी हैं, इदरीस भाई हैं, तमाम लोग हैं। किसी तरीके की आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं, जितना पानी आज यहाँ पर सुल्तानपुर पट्टी में पानी हुआ और इतना नुकसान नहीं हुआ हमारे दुकानदारों का। बर्तन की दुकान है इनकी, इनकी परचून की दुकान है, अनाज तक इनका बह गया सारा। मेरे खुद घर में, मैं मोहम्मद रफी इसी मोहल्ले का निवासी हूँ, मेरे खुद घर में पानी बचे 4-4 दिन पानी।